आतिशफिशां बुक टू पार्ट 26 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारमा। मैंने एकी माई के चेहरे पर नजरें जमाते हुए अपने आप को उस तरह हरकत दी जैसे उठना चाह रहा हूँ, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं जमीन पर पड़े पड़े लट्टू की तरह घूम गया। मेरे एक पैर की ठोकर एकी माई की जख्मी टांग पर पिंडली की हड्डी पर लगी। वो चीखती हुई लड़खड़ाई और पुश्त के बल गिरी। पहले उसके दोनों हाथ राइफल पर थे, लेकिन गिरते हुए उसका एक हाथ राइफल से हट गया था। राइफल अब भी दूसरे हाथ में थी। उसने हैरतअंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए राइफल को एक बार फिर दोनों हाथों में संभाल लिया, लेकिन इससे पहले कि उसे राइफल सीधी करने का मौका मिलता, मैं सांप की तरह फनकारता हुआ उसके ऊपर जा गिरा और राइफल पर हाथ डालकर उसका रुख ऊपर की तरफ कर दिया। एकी माई की उंगली ने ट्रिगर दबा दिया। गार एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। गोलियां गार की छत पर लगी। अगर राइफल का रुख तब्दील होने में एक पल की भी ताखीर हो जाती तो सामने खड़ा हुआ सरदार थालोब छलनी हो चुका होता। मैं एकी माई के सीने पर सवार था। मैंने उसकी कलाई पर इस तरह दबाव डाला कि राइफल झुकती हुई जमीन पर जा लगी और उसका रुख दीवार की तरफ हो गया। मैंने एक हाथ से राइफल को दबाए रखा और दूसरा हाथ उसके गले पर जमा दिया। मेरा अंगूठा एकी माई के नरखरे पर था। मामूली से दबाव से ही उसकी मजाहमत ने दम तोड़ दिया। राइफल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने राइफल उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दी और एकी माई को छोड़कर खड़ा हो गया। वो दोनों हाथों से अपना गला सहलाने लगी। उसके साथ ही वो जख्मी टांग पटक रही थी। मैंने उस टांग पर एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। सरदार थालोब ने ठीक कहा था कि तुम अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हो। सरदार के आदमी ने तुम्हारे जख्म की मरहम पट्टी की, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी, और इसका सिला तुमने यह दिया कि ना सिर्फ उनके एक साथी को मार डाला बल्कि उनके सरदार को भी हंडजब करवा दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। तुम शायद इन कबायलियों को नहीं जानती, ये अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने सरदार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम इनकी आंखों में गुस्सा नफरत देख रही हो। वो तुमसे अपने साथी के कत्ल और सरदार की तौहीन का बदला लेने को बेचैन हो रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम्हें जान से मार डालें। अलबत्ता उन्हें इतना मौका जरूर दिया जाएगा कि वो अपने इंतकाम की थोड़ी सी प्यास बुझा लें तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से। मैंने गार के दहाने पर खड़े कबाइलियों की तरफ इशारा किया। उन दोनों ने अपनी राइफलें उठाकर एकी माई पर तान ली थी। फिर मैंने सरदार थालोब की तरफ देखा। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था। सरदार, हम दोनों बाहर चलते हैं और तुम अपने चारों आदमियों को अंदर भेज दो थोड़ी देर के लिए, ताकि वो, मैंने आंख का गोशा दबाते हुए कहा। एकी माई वहशतज़दा नजरों से कभी मेरी तरफ और कभी गार के दहाने पर खड़े हट्टे कट्टे कबाइलियों की तरफ देख रही थी। शोलू, सरदार ने उनमें से एक को मुखातिब करते हुए थाई जुबान में कहा ताकि एकी माई भी समझ ले, बाहर से अपने दोनों साथियों को भी बुला लो, हम तुम्हें एक घंटे का वक्त दे रहे हैं और इस एक घंटे में तुम लोगों ने किस तरह इसकी मिजाज पुरसी करना है ये तुम लोग अच्छी तरह समझते हो। नहीं नहीं, मुझे वैश्यों के रहमो करम पर मत छोड़ो, ये मुझे मार डालेंगे, रहम करो मुझ पर। एकी माई चीख चीख कर कह रही थी, माफ कर दो मुझे, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पर मुझे इन वैश्यों के हवाले ना करो। थालोब ने मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा और अपने आदमियों से कबायली जुबान में कुछ कहा। वो दोनों वहीं रुक गए। ठीक है, इस वक्त माफ किया तुम्हें, लेकिन तुम सजा से बच नहीं सकोगी। अब उठकर खड़ी हो जाओ जल्दी से, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अपनी राइफल उठाते हुए कहा। एकी माई की टांग पर बंधी हुई पट्टी सुर्ख हो रही थी, जख्म से खून बहने लगा था। वो उठ खड़ी हुई लेकिन फिर लड़खड़ाकर गिर गई और बेबसी से मेरी जानिब देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसी दौरान में एक कबायली ने जमीन पर पड़ी हुई दोनों राइफलें उठा ली थी। सरदार की राइफल उसने बड़े एहतराम से उसकी खिदमत में पेश कर दी। दूसरी राइफल उसने अपने कंधे पर लटका ली। तुम उठकर चलोगी या घसीट कर ले जाया जाए? मैं खड़ी नहीं हो सकती, मुझसे चला नहीं जाता। वो बाकायदा रो रही थी। उसने जख्मी टांग को दोनों हाथों से दबा रखा था। मैंने थालोब की तरफ देखा। वो कबायली जुबान में अपने आदमियों से बातें करने लगा। फिर वो कबायली जो हमें गार तक लाया था आगे बढ़ा। उसने अपनी राइफल मेरे हवाले कर दी और एकी माई के करीब जाकर रुक गया। चंदा में उसकी तरफ देखता रहा, फिर झुककर उसने बड़ी फुर्ती से उसको अपने कंधे पर उठाकर लात सा लिया। एकी माई चीख उठी। शोलू नाम उस कबायली ने एकी माई को बड़ी हमदर्दी से बोरी की तरह अपने कंधे पर लाद लिया था। हम गार से बाहर आ गए। दूसरे कबायलियों को हिदायत कर दी गई थी कि वो अपने साथी की लाश बस्ती में ले जाएं और उसके आखिरी रसूमात का बंदोबस्त करें। शोलू एकी माई को बोरी ही की तरह कंधे पर लादे हमारे आगे आगे चल रहा था। वो हौले हौले करहा रही थी। किसी वक्त टांग को जोर का झटका लगता तो वो चीख उठती। जीप तक पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लग गए। जीप का मुहाफिज कबायली एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा सिगार की शक्ल से मिलता जुलता सिगरेट पी रहा था। हमें देखकर उसने सिगरेट फेंका और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। थालोब ने करीब पहुंचकर जीप के दरवाजे खोल दिए। शोलू ने एकी माई को पिछली सीट पर इस तरह पटखा कि वो बेख्तियार चीख उठती थी।
मैं भी जीप के पिछले हिस्से में इकिमाई के सामने वाली सीट पर बैठ गया और राइफल अपनी गोद में रख ली। मेरा एक हाथ राइफल पर ही था। थालोब ने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और जीप को रिवर्स गियर में दरख्तों से निकालकर पथरीले रास्ते पर ले आया। उसने दोनों कबायलियों की तरफ देखकर हाथ हिलाया और जीप को पथरीले रास्ते पर डाल दिया। वापसी पर कोई गैर मामूली या नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जब हम कॉटेज पहुंचे तो दोपहर का एक बज चुका था। एकीमाई को जीप से निकालकर हॉल कमरे के कालीन पर डाल दिया गया। उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे और वो मतहुश निगाहों से रंगोली, जानकी और वांगडन की तरफ देख रही थी। वांगडन से मालूम करो, अगर फर्स्ट एड का कोई सामान हो तो उसके जख्म की ड्रेसिंग कर दो। मैंने जानकी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ हर चीज मौजूद है, मैं अभी मेडिसिन बॉक्स लेकर आता हूँ। वांग कहता हुआ बाहर निकल गया। चंद ही मिनट बाद वो क्वार्टर से मेडिसिन बॉक्स ले आया। जानकी एकीमाई के करीब बैठ गई और उसकी टांग पर लिपटी हुई पट्टी खोलने लगी। ये कोई बाकायदा ड्रेसिंग नहीं थी, चादर या किसी ऐसे ही कपड़े का टुकड़ा फाड़कर बांध दिया गया था। खून के साथ उसकी पिंडली पर हरे से रंग का कोई गाढ़ा सा मादा भी जमा हुआ था। जानकी उसी खून आलूद कपड़े से जख्म और उसके आसपास की जगह को साफ करने लगी। इसी दौरान में वांग दौड़कर कॉटन का रोल भी ले आया था। जानकी रूई के टुकड़े स्प्रिट में भिगोकर उसका जख्म साफ करती रही। एकीमाई ने दांत भींच रखे थे, उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। ये जख्म कैसे आया, गोली लगी थी क्या? जानकी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं दौड़ते हुए ऊंची जगह से गिरी थी और अपने तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी थी। नीचे एक दरख्त का सूखा हुआ तना पड़ा था जिससे तकरीबन 1.5 इंच लंबा कांटे की तरह नोकदार लकड़ी का टुकड़ा बाहर को निकला हुआ था जो मेरी टांग में बेवस्त हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी टांग को अलग खींचा था। जख्म से बेतहाशा खून बहने लगा था। मैंने अपना स्कार्फ जख्म पर बांध लिया लेकिन खून बंद नहीं हुआ, और अगर वो लोग ना मिलते तो शायद ज्यादा खून बह जाने की वजह से मैं वहां जंगल में पड़े पड़े ही खत्म हो जाती। जानकी उसके जख्म को दबा दबा कर देखती रही। उसे शुभा था कि अगर कोई फांस अंदर रह गई हो तो खतरनाक साबित हो सकती है। लकड़ी का बहुत मामूली सा रेशा भी फूलकर जख्म को बिगाड़ सकता था। वो जख्म को दबाती तो एकीमाई कराह उठती। कई मरतबा चीख दबाने के लिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। जानकी ने इत्मीनान कर लिया था कि जख्म के अंदर कोई फांस नहीं थी। उसने दवा लगाकर पट्टी बांध दी। खून ज्यादा बह जाने और तकलीफ से एकीमाई का चेहरा सफेद हो रहा था और उसमें पकड़े जाने के खौफ का अंसर भी शामिल था। एकीमाई को कालीन से उठाकर एक कमरे में बेड पर लिटा दिया गया। मैं और थालोब कमरे में थे। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया तो उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात कुछ और गहरे हो गए। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं एकीमाई, या तो तुम खुद जुबान खोल दो या फिर मुझे तुम्हारी जुबान खुलवानी पड़ेगी। क्या जानना चाहते हो तुम? वो खौफजदा लहजे में बोली। इस साजिश में और कौन कौन शरीक है? मैंने पूछा। कौन सी साजिश? मैं किसी साजिश के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर नाल की तरफ से पकड़ा और उसकी टांग पर जख्म के करीब दस्ते से हल्की सी जरब लगाई। वो चीख उठी। उस गार में तुमने कहा था कि अगर मैं बीच में टांग अड़ाता तो तुम लोगों का मंसूबा अब तक कामयाब हो चुका होता, और यहाँ तुम कह रही हो कि तुम किसी साजिश के बारे में नहीं जानती। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती। इस कॉटेज में होने वाली तुम लोगों की सारी गुफ्तगू हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। सैनफोंग को अगर मायसा पर शुभा ना हो जाता ना तो तुम लोगों की मीटिंग जारी रहती और उसके बाद की गुफ्तगू भी हम रिकॉर्ड कर लेते। मायसा कौन? मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती। वो लड़की जिसे सैनफोंग ने कॉटेज में गोली मार दी थी। एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, मेरी दोस्त था इस वक्त दारा के कब्जे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम में से मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बेहतर है कि मेरे गजब को हवा देने के बजाय तुम खुद ही जुबान खोल दो और जो कुछ पूछूं उसका जवाब देती रहो। बसूरत दीगर तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म के इतने टुकड़े कर दूंगा कि क्या जानना चाहते हो तुम? सबसे पहले ये बताओ कि दारा और उसके साथी कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, वो जंगल में किसी कॉटेज में ठहरे हुए थे जिसके बारे में पुलिस चीफ और रंगसंत के सिवा हम में से किसी को इल्म नहीं। ठीक है, वो मैं मालूम कर लूंगा। अब शहंशाह के खिलाफ उस साजिश के बारे में बताओ, इसमें कौन कौन लोग शरीक हैं और असल मंसूबा क्या है? एक मिनट। थालोब ने हाथ उठाकर इशारा किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद वो टेप रिकॉर्डर ले आया जिसे उसने बेड साइड टेबल पर रखकर दीवार के सॉकेट में प्लग लगा दिया था। हाँ, अब शुरू हो जाओ, थालोब ने रिकॉर्डिंग वाला बटन पुश करते हुए कहा। मैंने एकीमाई की तरफ देखते हुए अपना सवाल दोहराया। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि साजिश में और कौन कौन लोग शरीक हैं। मुझे तो आंग सांग ने यह लालच दिया था कि यह मंसूबा कामयाब होने के बाद मुझे ना सिर्फ किसी वजारत का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा बल्कि बताया बीच पर मेरी पसंद की जगह मुझे अलॉट कर दी जाएगी और आलीशान होटल की तामीर के लिए तमाम अखराजात भी दिए जाएंगे। हम उन लोगों के नाम जानना चाहते हैं जो साजिश में शरीक हैं।
थालोब ने कहा, हुकूमत के खिलाफ फौज के कुछ अफसरान भी इसमें शरीक होंगे, उनके नाम बताओ। मैं तफसील से कुछ नहीं जानती, वैसे मेरा ख्याल है इस साजिश में फौज का कोई ऑफिसर मुलव्वज़ नहीं। इस कसम की कोई साजिश फौज को मिलाए बगैर कामयाब नहीं हो सकती। थालोब ने उसे घूरा। हो सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। इस साजिश में जनरल खोराट का क्या किरदार है? मैंने सवाल किया। साजिश की बुनियाद दरअसल जनरल खोराट ने ही रखी थी। पिछले चंद बरसों के दौरान में थाईलैंड में मंशियात की स्मगलिंग पर पाबंदियों और सख्ती की वजह से जनरल खोराट को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लाओस और बर्मा की सरहदों पर अंदरूनी बगावतों की वजह से उन मुल्कों की फौजें फैली हुई हैं। वो सरहदें जनरल खोराट के लिए बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी हैं। उसकी नजरें थाईलैंड पर है, लेकिन चंद बरसों के दौरान में उसे यहाँ भी कुछ मजाहमत का सामना करना पड़ा है, इसलिए मंसूबा उसने बनाया था। थाईलैंड में शहनशाह की हुकूमत का खात्मा करके वो अपनी पसंद का आदमी लाना चाहता है। उसके एवज उसका सिर्फ एक ही मुतालबा है। वो क्या? थाईलैंड और गोल्डन ट्रायंगल की सरहद पर कंट्रोल के अलावा वो थाईलैंड में कस्टम्स और नार्कोटिक्स के महकमे पर मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा रखना चाहता है। मैं और थालोब सवालात करते रहे और एक ही माई जवाब देती रही। ये सारी गुफ्तगु रिकॉर्ड होती रही। थालोब की तरह मेरा भी यही ख्याल था कि एक ही माई अब भी बहुत कुछ छुपा रही है। ठीक है, जो बातें हम तुमसे मालूम नहीं कर सके वो हुकूमत के अहलकार मालूम कर लेंगे, और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि सरकारी अहलकार किसी की जुबान खुलवाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। वो समझ गई थी कि उसका अंजाम क्या होगा। ये कोई मामूली जुर्म नहीं था। शहंशाह के खिलाफ साजिश सबसे घिनौना और संगीन तरीन जुर्म समझा जाता था, और उसकी सजा मौत से कम नहीं हो सकती थी। और ऐन मुमकिन है इन लोगों को अपनी सफाई का मौका दिए बगैर फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया जाए। हम कमरे से बाहर आ गए। दरवाजा खुला रहने दिया गया। उस वक्त 2:15 बज रहे थे। सुबह एक कप कॉफी के सिवा हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था। लूमा खाना तैयार कर चुका था। तुम अपना खाना लेकर एक ही माई के कमरे में चली जाओ और उसे भी कुछ खिला दो। और सोनिया कहाँ है? मैंने जानकी की तरफ देखते हुए कहा। वो कमरे में बेड पर पड़ी है। वो समझती है कि शायद हम जराइम पेशा हैं और उसके जरिए उसकी माँ को ब्लैकमेल करके कोई रकम निकलवाना चाहते हैं। उसे रंगसन के बारे में तो नहीं बताया? अभी तक तो नहीं बताया क्या? और ये खबर भी उसे तुम ही बताओगे कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है? इस मरतबा रंगोली ने जवाब दिया। ठीक है, इसे लेकर आओ, हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। फिर चंद मिनट बाद हम सब मेज के गिर्द बैठे खाना खा रहे थे। सोनिया के चेहरे पर बेपना उदासी थी। खाने के बाद मैं सोनिया को लेकर एक कोने में बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मैं उसे टटोलने की कोशिश कर रहा था कि उसमें हुब्बुल वतनी का कुछ मादा है या वो भी अपनी माँ की तरह करप्शन और हर तरह की नाजायज आमदनी पर यकीन रखती है। उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो माँ की गैर कानूनी सरगर्मियों से कतई ला इल्म है। वो अपनी माँ को देवी का दर्जा देती है, जिसने बड़ी मेहनत से उसे परवान चढ़ाया और उसे जिंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया करने के लिए शबो रोज कड़ी मेहनत करती है। वो तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि उसकी माँ किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकती है, जबकि वो खुद मुहब्बे वतन लड़की थी। उसे अपने मुल्क से और अपने शहनशाह से मोहब्बत थी। वो इस बात पर यकीन रखती थी कि थाईलैंड की तरक्की और खुशहाली शहनशाह की अवाम से दिलचस्पी की मरहूने मिन्नत थी। मंशियात के हवाले से भी उसके ख्यालात बड़े वाज़े थे। उसका ख्याल था कि मंशियात पैदा करने वालों और फरोख्त करने वालों को गोलियों से भून देना चाहिए। ये लोग इंसान नहीं, मौत के हरकारे हैं जो दुनिया भर में नौजवान और नौमर नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मगर तुम मुझसे सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? सोनिया ने चुपती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। इसलिए कि तुम्हारे वतन और शहनशाह को इस वक्त तुम जैसे वफादारों की जरूरत है, जो शहनशाह और मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का हौसला रखते हो। क्या कह रहे हो? क्या शहनशाह या इस मुल्क पर कोई आफत आने वाली है? यही समझ लो, अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम्हारी माँ के दिल में वतन की वो मोहब्बत नहीं जो होनी चाहिए, तो तुम क्या कहोगी? बकवास, मेरी माँ एक मुहब्बे वतन औरत है। उसने सारी जिंदगी पुलिस के महकमे में रहकर इस मुल्क की खिदमत करते हुए गुजारी है। उसकी वतन परस्ती पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माँ की तनख्वाह तो बहुत मामूली सी थी। क्या तुम्हारे ख्याल में इस मामूली तनख्वाह में इतनी जायदाद बनाई जा सकती है? इस तरह शहाना जिंदगी गुजारी जा सकती है? कहना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम ये समझते हो कि मेरी माँ रिश्वत लेती है या किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है? हाँ सोनिया, कुछ ऐसी ही बात है। झूठ बोलते हो तुम, बकवास है ये। मेरी माँ एक शरीफ औरत है, उसने मेहनत करके दौलत कमाई है। जराइम पेशा तुम लोग हो, मुझे यरगमाल बनाकर मेरी माँ से कुछ नाजायज काम करवाना चाहते हो। सोनिया, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह मुहिब्बे वतन नहीं थी। उसे शहनशाह से या इस मुल्क से कोई लगाव नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत की चाहत थी। वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थी।
وہ ایسے لوگوں کا اعلی کار بن گئی تھی جو اس ملک اور شہنشاہ کے خلاف بہت خوفناک سازش میں ملوث ہیں۔ تم میری ماں کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر رہے ہو؟ کیا؟ ہاں یہ سچ ہے، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سونیا چند لمحے دہشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رنگولی اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے قریب آ گئی اور سونیا کو باہوں میں لے کر اسے تسلی دلاسا دینے لگی۔ نہیں نہیں، میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی، اس پر الزام ہے، اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے لیکن اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ دولت کی حوث تو بڑے بڑوں کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، تمہاری ماں تو بہت کمزور تھی، دولت کے لالچ نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا اور وہ سازشیوں کا اعلی کار بن گئی۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی ہستی سے ملواتا ہوں جو میری بات کی تصدیق کر دے گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک ریکارڈ شدہ گفتگو سنوانا چاہتا ہوں، ان آوازوں میں تم اپنی ماں کی آواز کو پہچان لو گی۔ میں نے اٹھ کر پرانا کیسٹ لگا کر ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ یہ کاٹیج میں ہونے والی میٹنگ کا ٹیپ تھا، اس میں کم از کم تین جگہوں پر رنگ سند کی آواز موجود تھی۔ میں ریکارڈنگ بند کر کے سونیا کو ایک ایمائی والے کمرے میں لے گیا۔ جانکی اس وقت بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایمائی ہے، حکومت کی کالا آفیسر، یہ بھی شہنشاہ کے خلاف اس گھناؤنی سازش میں شریک ہے، یہ تمہیں بتائے گی کہ تمہاری ماں کا سازش میں کردار کیا تھا۔ ایک ایمائی بتاؤ اسے رنگ سند کی اصلیت کیا تھی، اور جب اسے گولی لگی تو وہ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ رنگ سند سینگ فونگ کے ساتھ میٹنگ میں ہمارے ساتھ تھی، میٹنگ کے سارے انتظامات اسی نے کیے تھے، اور جب کاٹیج پر حملہ ہوا تو رنگ سنت نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ وہاں سے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر داروں نے اسے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر رنگ سنت یا کوئی اور لڑکی تم لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو میٹنگ کا سارا راز فاش کر دے گی۔ میں چونک گیا، میرے لیے انکشاف نیا تھا کہ رنگ سنت دارا کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ میں تو یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ ہم میں سے کسی کی گولیوں کا شکار ہوئی تھی۔ سونیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ٹیپ شدہ آواز اور ایک ایمائی کی باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی ماں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ غلط نہیں تھا۔ جانکی سونیا کو کمرے سے باہر لے آئی، رنگولی بھی اس کے پاس آ گئی، اور پھر میرے اشارے پر وہ دونوں اسے تازہ ہوا میں باہر لے گئیں۔ میں نے تھالوب کو بتا دیا کہ رنگ سنگ ہم میں سے کسی کی گولی کا نشانہ نہیں بنی تھی، بلکہ اسے دارا نے مارا تھا۔ ایک ایمائی کے اس انکشاف نے ہمارا کام آسان کر دیا تھا، سونیا اب یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کی ماں کو ہم نے مارا تھا۔ میرا خیال ہے اب مہاراج کو صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے، میں نے تھالوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھالوب نے جواب دینے کی بجائے ٹیلی فون اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور بینکاک کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس بار مجھے مایوسی نہیں ہوئی، کال مہاراج نے ہی ریسیو کی تھی۔ دو تین منٹ رسمی جملوں کے تبادلے میں گزر گئے، پھر میں مہاراج کو بیتے ہوئے تمام واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، اگر سردار تھالوب میرا ساتھ نہ دیتا تو ہم اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی شہادتیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ شہنشاہ کے خلاف اس سازش کے تانے بانے کب اور کیسے بنے گئے۔ آنگ سانگ اگرچہ فرار ہو گیا تھا، لیکن ایک ہی مائی میرے قبضے میں ہے، ان سے ان تمام لوگوں کے نام معلوم کیے جا سکتے ہیں جو اس سازش میں شریک ہیں۔ میں تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہوں وجدان، مہاراج نے کہا۔ تمہیں ایک ہی مائی اور وہ کیسٹ لے کر فوراً بینکاک آنا ہوگا۔ میں رتنا کوسن سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارے لیے خصوصی طیارہ چیانگ رائے بھیج دے گا۔ خصوصی جہاز دو ڈھائی گھنٹوں میں چیانگ رائے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے گا۔ میں بینکاک نہیں آ سکتا مہاراج، تھائی دارا کے قبضے میں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے نہ صرف تھائی کو اس کے شکنجے سے چھڑانا ہے، بلکہ آنگ سانگ اور سین فونگ وغیرہ کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے کام ہیں جن کے لیے یہاں میری موجودگی بہت ضروری ہے۔ ایک ہی مائی اور کیسٹ منگوانے کے لیے آپ کو کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔ فی الحال کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اپنا فون نمبر دو، میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کروں گا۔ میں نے مہاراج کو فون نمبر لکھوا دیا اور پھر ریسیور سردار تھالوب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ تقریباً پانچ منٹ تک مہاراج سے بات کرتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ سونیا وغیرہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آسمان پر ایک بار پھر بادل چھا گئے تھے۔ سونیا اب بھی رو رہی تھی اور رنگولی اور جانکی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ سونیا، سردار تھالوب نے اپنی کرسی پر قدرے آگے جھکتے ہوئے کہا، اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ کیسے وطن فروش اور بے ضمیر ہیں۔ انہوں نے محض اس لیے تمہاری ماں کو گولی مار دی کہ پکڑے جانے کی صورت میں وہ ان کا راز نہ فاش کرتے۔ اس سے سمجھ سکتی ہو کہ انہیں صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے، کسی دوسرے کی زندگی کی انہیں قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے وطن کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں نا، انہیں دوسروں کی زندگیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ تمہاری ماں لالچ میں آ گئی تھی، اس سے غلطی سرزد ہو گئی، اور یہ غلطی اس کے نام پر بدنما دھبا بن گئی ہے۔ تم اپنی ماں کے نام سے اس داغ کو دھو سکتی ہو، تم محب وطن ہو، وقت پڑنے پر تم شہنشاہ اور وطن کے لیے
بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہو۔ میں اپنی ماں کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شہنشاہ اور اپنے وطن کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میں انہیں تلاش کروں گی اور چن چن کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دوں گی۔ مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں اور یہ دارا کون ہے جس نے میری ماں کو گولی ماری تھی؟ دارا خونخوار درندے کا نام ہے۔ وہ اب تک درجنوں بے گناہوں کو بے دردی سے موت کی گھاٹ اتار چکا ہے۔ چند روز پہلے میرے 5 آدمی بھی اس کی درندگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات وہ ہماری ایک ساتھی کو اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ وہ ہر مرتبہ بچتا رہا ہے، لیکن اس بار وہ ہمارا گھیرا توڑ کر نہیں جا سکے گا۔ آج رات اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سونیا کبھی میری طرف اور کبھی سردار تھالوب کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ ہولے ہولے ہچکیاں لے رہی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رو لینے سے اس کے دل کا غبار نکل گیا تھا، لیکن ماں کی موت کا صدمہ آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہم میں سے کوئی بھی صورتحال معلوم کرنے کے لیے شہر کی طرف نہیں گیا تھا۔ تھالوب نے وانگ کو کچھ ہدایات دیتے ہوئے شہر کی جانب بھیج دیا۔ ابھی ہم لان میں ہی بیٹھے تھے کہ لوما نے برامدے میں نمودار ہو کر بتایا کہ بینکاک سے میرے لیے کال آئی ہے۔ وہ مہاراج کا فون تھا۔ میں نے تعظیمی جملے ادا کیے اور پھر مہاراج بھی جلدی اصل موضوع پر آ گئے۔ وجدان، رتنا کوسن تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ذرا انہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ریسیور پر رتنا کوسن کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں باس۔ آپ نے مہاراج سے خوشخبری تو سن لی ہوگی؟ ہاں، میں تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہوں۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ حکومت تمہاری خدمات کو فراموش نہیں کرے گی۔ بہرحال میں تم سے تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس مشن کی کامیابی میں سردار تھالوب کا بہت مناسب الفاظ میں تذکرہ کیا اور رتنا کوسن کو شروع سے آخر تک سب کچھ بتانے لگا۔ مہاراج نے بتایا تھا کہ دارا نے تمہاری ایک ساتھی کو قبضے میں لے رکھا ہے؟ یس باس، اگر یہاں کی صورتحال سنگین نہ ہوتی تو میں ایک ایم آئی کو لے کر خود بینکاک پہنچ جاتا۔ اب آپ کو فوری طور پر کوئی بندوبست کرنا چاہیے، تاخیر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں آج رات کسی وقت تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ہماری آمد بالکل خفیہ ہوگی، کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اب تم کھل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہو۔ میں چیانگ رام میں پولیس کے انسپیکٹر جنرل کو فون کر دیتا ہوں۔ اگر اس کی مدد کی ضرورت محسوس کرو تو اسے فون کر دینا، وہ تم سے ہر قسم کا تعاون کرے گا۔ رتنا کوسن نے جواب دیا۔ یس باس، میں نے کہا۔ پھر میں نے مہاراج سے کچھ دیر بات کی اور فون بند کر دیا۔ رتنا کوسن آج رات کسی وقت یہاں پہنچنے والا ہے، میں نے ریسیور رکھ کر تھالوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھالوب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رنگولی اب بھی سونیا کے پاس باہر بیٹھی تھی، جبکہ جان کی کمرے میں ایک ہی مائی کے پاس چلی گئی تھی۔ میں اور تھالوب ہال کمرے میں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 5 بجے کے قریب وانگڈن واپس آ گیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق شہر میں ہنگامی صورتحال تھی۔ پولیس چیف اور رنگسن کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جنرل کھوراٹ کا بھی ایک آدمی مارا گیا تھا۔ کارٹیج سے 3 لڑکیوں کی لاشیں بھی ملی تھیں۔ ان میں ایک مائسا کی لاش تھی اور دوسری 2 لاشوں کو بھی شناخت کر لیا گیا تھا۔ وہ سوسائٹی گرلز تھی اور انہیں چیانگ رائے سے خاص طور پر لایا گیا تھا۔ ایک دلچسپ اطلاع یہ بھی تھی کہ سین فونگ اور آنگ سانگ بھی زخمی ہوئے تھے۔ سین فونگ تو رات کو ہی گولڈن ٹرائنگل کی طرف نکل گیا تھا اور آنگ سانگ شہر میں ہی کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ اسپتال میں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے وانگ کی طرف دیکھا۔ وہ اسپتال میں نہیں ہے باس، شہر میں چند ایک پرائیویٹ کلینکس بھی ہیں۔ میں نے تمام جگہوں پر چیک کر لیا، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ زخمی ہے اور اسے علاج بھی کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کاٹیج میں چھپا، کسی ڈاکٹر سے پرائیویٹ طور پر علاج کروا رہا ہو۔ اسے ہر صورت میں تلاش کرنا ہوگا وانگ۔ ممکن ہے کہ وہ کھالائی والے کاٹیج میں دارا وغیرہ کے ساتھ ہو۔ تم تیاری کر لو، ہم شام کا اندھیرا پھیلنے کے فوراً بعد اس کاٹیج پر ریڈ کریں گے۔ تھائی بھی وہیں ہوگی۔ ہمیں ہر صورت میں دارا کو بھی وہاں سے نکالنا ہے۔ میں تیار ہوں باس۔ اور کون کون جائے گا؟ ان کی تعداد نصف درجن سے کم نہیں ہوگی۔ اگر پلاننگ سے حملہ کیا جائے تو ہم 4 ہی کافی ہوں گے۔ میرے اور تمہارے علاوہ 2 آدمی اور ہوں گے، ان کا بندوبست تم کر لو۔ ایک تو میں ہوں، چوتھے آدمی کا بندوبست بھی ہو جائے گا، تھالوب نے کہا۔ میں مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پہلے یقین تھا کہ تھالوب اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ اور میں بھی تو ہوں، مجھے کیوں بھول رہے ہو؟ جانکی کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھلا وہ اس معاملے میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ وانگ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک بار پھر شہر چلا گیا۔ اس مرتبہ اس کی واپسی 7 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سین فونگ نے سرحد پار نہیں کی، اسے 2 گولیاں لگی ہیں، ایک ٹانگ میں اور ایک بازو میں۔ وہ شہر میں ہی موجود ہے اور ڈاکٹر چانگ سے اپنا علاج کروا رہا ہے۔ او ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اتفاق سے، اور میں نے اس کی تصدیق کر لی ہے۔ وہ رومائی ویلا کے قب میں واقع ایک کاٹیج میں مقیم ہے۔ میں اس طرف کا بھی چکر لگایا ہوں، چوتھی گلی کے کارنر والا کاٹیج ہے، اور یہ کاٹیج بھی پولیس چیف کی ملکیت ہے۔ اسے ہم بعد میں دیکھ لیں گے،
पहले हमें दारा और आंगसांग की खबर लेनी है और मेरे ख्याल में अब हमें रवाना हो जाना चाहिए, मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फिर 10 मिनट बाद हम वहां से रवाना हो गए। स्टीयरिंग वांगडन ने संभाल रखा था। उसके साथ वाली सीट पर सरदार थालोप बैठा था। मैं और जान की पिछली नशस्तों पर आमने सामने बैठे थे। हमारे पास लोडेड राइफलें थी और फाजिल मैगजीन भी। उस रोज वांगसाई से हमने खालाई के इलाके में वाकई उस कॉटेज का पता मालूम कर लिया था जहां दारा और उसके साथी छुपे हुए थे, और बाद में रंगसन से भी उसकी तस्दीक हो गई थी। मुझे यकीन था कि दारा वगैरह के अलावा आंगसांग भी वहीं होगा। खालाई तक पहुंचने का आसान रास्ता तो यह था कि हम गोल्डन ट्रायंगल रोड की तरफ निकलते और वहां से खालाई का रुख करते, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल रोड पर पुलिस की सरगर्मियां जारी थी। उस तरफ चेकिंग का भी अंदेशा था, इसलिए वांगडन ने शहर से निकलते ही जीप पहाड़ों में एक कच्चे और गैर हमवार रास्ते पर मोड़ ली थी, और कुछ आगे जाने के बाद उसने हेडलाइट्स भी बुझा दी थी। नाहमवार पुरपेच पहाड़ी रास्ते पर रोशनी के बगैर गाड़ी चलाना काफी खतरनाक था, लेकिन वांग बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वांग ने जीप रोक ली और हम नीचे उतर आए। वांग ने जीप के दरवाजे लॉक किए और हम अपनी राइफलें संभाले एक कतार में एक तंग से रास्ते पर चलने लगे। रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहा था। सबसे आगे वांग था, उसके पीछे मैं, फिर जानकी और आखिर में थालोप। आधा किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। सामने तकरीबन 100 गज के फासले पर दरख्तों के झुंड में एक कॉटेज की खिड़की से झलकती रोशनी साफ नजर आ रही थी। मैं और जानकी एक तरफ हो लिए और वांग और थालोप मुख्तलिफ सिमतों में उस कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे। मैं आगे था और जानकी मुझसे 2 कदम पीछे। रास्ता खासा दुश्वार था, तारीकी में चलना कुछ और भी मुश्किल हो रहा था। हम बहुत मोहतात अंदाज में कदम उठा रहे थे। कॉटेज से तकरीबन 50 कदम के फासले पर हम रुक गए। जानकी मेरे दाएं जानिब थी। मैंने उसे इशारा किया और खुद कदरे दाएं तरफ हटकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। मेरा रुख उस खिड़की की तरफ था जहां रोशनी हो रही थी। कमरे के अंदर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया। उसके चंद ही सेकंड बाद दूसरे कमरे की बत्ती जली और थोड़ी देर बाद बुझ गई। वो साया एक बार फिर कमरे में नजर आया और फिर एक तरफ हटकर निगाहों से ओझल हो गया। मैं कुछ और आगे बढ़कर रुक गया, खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर की तरफ पर्दा लटका हुआ था, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मेरी इत्तला के मुताबिक इस कॉटेज में 5-6 आदमियों को होना चाहिए था, और जहां इतने लोग मौजूद हों वहां ऐसी खामोशी मायने खेज थी। मैं कॉटेज के अकबी सिमत में था। अचानक सामने के रुख पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और उसके साथ ही थालोप की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, खबरदार अपनी जगह से हरकत मत करना। मैं उछलकर पीछे हट गया और जानकी को इशारा किया। हम दोनों पोजीशन लेकर बैठ गए। मेरा ख्याल था कि कोई ना कोई इधर आने की कोशिश करेगा, मगर कोई अफरा तफरी नहीं मची, कोई शोर नहीं उठा। मैंने जानकी को इशारा किया और दौड़ता हुआ कॉटेज के सामने वाले रुख पर पहुंच गया। वांग बरामदे के सुतून की आड़ में पोजीशन लिए खड़ा था। पहले तो उसने हमें ललकारा, लेकिन मेरी आवाज सुनकर वो सामने आ गया। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में आ गया जिसमें रोशनी हो रही थी। थालोब एक बूढ़े आदमी को राइफल की जद पर लिए खड़ा था और बूढ़ा थर थर कांप रहा था। फिर यह इंकशाफ हमारे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ कि वो बूढ़ा उस कॉटेज का चौकीदार था और दारा वगैरह आज सुबह सवेरे एक कॉटेज खाली कर गए थे। बूढ़े की बातों से पता चल गया कि आंगसांग भी उनके साथ था। उसकी टांग में गोली लगी थी। मैंने आंगसांग का जो हुलिया बताया, बूढ़े ने उसकी तस्दीक कर दी थी। उनके साथ एक औरत भी थी और वो भी जख्मी थी, बूढ़े ने बताया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बूढ़े ने उसका जो हुलिया बताया उससे तस्दीक हो गई कि वो थाई थी। बूढ़े के कहने के मुताबिक उसके बाजू में गोली लगी थी। ये लोग कहाँ गए हैं? पता नहीं, मैं आज सुबह अपने घर में था। मालिक ने हुक्म दिया कि मैं कॉटेज चला जाऊं, और जब मैं यहाँ आया तो कॉटेज खाली था। इस कॉटेज का मालिक कौन है, कहाँ रहता है वो? परेरे, मिस्टर परेरे इस कॉटेज का मालिक है। शहर में परेरे होटल उसी का है और परेरे हाउस भी उसी की मिल्कियत है। वो इस बिल्डिंग के पेंट हाउस में रहता है। मैंने थालोप की तरफ देखा, उसने सर हिला दिया। मेरा ख्याल है हमें परेरे से इनके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ रुककर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, थालोब ने कहा और फिर चौकीदार से मुखातिब हुआ। तुम परेरे को नहीं बताओगे कि हम यहाँ आए थे, वरना जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। जानते हो ना तुम मुझे? जानता हूँ सरदार, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ आए थे। क्यों ना यहाँ की तलाशी ली जाए, शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि वो लोग कहाँ गए हैं, मैंने थालोप की तरफ देखते हुए कहा। बेकार है, ये बूढ़ा दोपहर से यहाँ आया हुआ है, इसने सफाई वगैरह की होगी। मेरा ख्याल है यहाँ से हमें कोई सुराग नहीं मिलेगा। घबराओ मत, दारा थाई को उस वक्त तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा जब तक वो तुम्हारे सामने कोई मुतालबा पेश नहीं करता और तुम उसे रद्द नहीं कर देते। हम बहुत जल्द उनका सुराग लगा लेंगे, हो सकता है आज रात ही। आओ अब चलें।
थालोब ने एक बार फिर बूढ़े चौकीदार को अपनी जुबान बंद रखने की तनबीह की और हम वापसी के लिए रवाना हो गए। सरदार थालोब और मैं साथ साथ चल रहे थे और वो मुझे परेरे के बारे में बता रहा था। परेरे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। उसने सारी जिंदगी इस कस्बे में गुजारी थी। चियांग साइन और आसपास की बस्तियों में रहने वाले एक एक शख्स को वो जानता था। वो मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वज़ भी रहा था, लेकिन हर वक्त पकड़े जाने का खौफ लगा रहता था। कानून से बचने के लिए उसने कानून का सहारा लिया और पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो गया। पुलिस की वर्दी पहन लेने के बाद वो बड़ी आजादी और दीदा दिलेरी से मंशियात के स्मगलरों के लिए काम करने लगा। सिर्फ एक परेरे परी क्या मुनहसर, इस महकमे का हर फर्द स्मगलरों का एजेंट बना हुआ था। गोल्डन ट्रायंगल वाकई सुनहरी त्रिकोण थी जहां सोना पैदा होता था। यहां से दुनिया भर को मंशियात सप्लाई होती थी। ये एक ऐसी बहती गंगा थी जिसमें हर बेजमीर और हविस परस्त हाथ धोने की कोशिश कर रहा था। यहां पर पार्ट 26 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 27 समाप्त फरमाएं।